साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, यहां पे आज के न्यूज़पेपर में एक बड़ी अपडेट यहां पे जो है जारी किया गया है और देखने को आपको मिलेगा। ये आपका दैनिक भास्कर पेपर का जो है अपडेट है, तो पूरा क्रेडिट उन्हीं को जाता है क्योंकि उनके द्वारा जो है ये चीज़ें लिखी गई है। मैं वहाँ पर जाकर तो इसका रिपोर्टिंग किया नहीं हूँ। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अमीन बहाली प्रश्न पत्र वायरल केस, जो जैसा कि आपको पता है कि कल के न्यूज़पेपर में मैंने आपको बताया था कि BCCI बोर्ड ने जो है केस दर्ज करा दी है जो एयरपोर्ट थाना है वहाँ पे। तो यहाँ पे BCCI बोर्ड ने कहा कि परीक्षा संभावित करने को ऐसा किया गया है, ठीक है। और ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर परीक्षा प्रभावित होता है तो कहीं ना कहीं आगे और दिक्कत होगी, तो इसलिए जो है BCCI बोर्ड ने कहा है कि परीक्षा जो है प्रभावित करने को लेकर जो है ऐसा किया गया है। ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि KSM सॉल्यूशन पर केस दर्ज, सीफी ले रही परीक्षा इसे ही दे दिया जांच का जिम्मा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है, आप अगर डिटेल में न्यूज़पेपर में अंदर यहाँ पे पढ़ेंगे आर्टिकल को, तो बताया जा रहा है कि अमीन बहाली का प्रश्न पत्र वायरल होने के मामले में एयरपोर्ट थाना में केस दर्ज कर लिया गया है। BCCI बोर्ड जो कि बुधवार को प्रश्न पत्र वायरल होने के बाद एयरपोर्ट थाना को केस करने के लिए लिखित आवेदन दिया। जाँच में पाया गया कि प्रश्न पत्र ट्रांसपोर्ट नगर के आदर्श नगर स्थित KSM सॉल्यूशन स्थित ऑनलाइन परीक्षा केंद्र का है। BCCI बोर्ड के अधिकारी उमाशंकर प्रसाद के बयान पर जो है KSM पर केस दर्ज किया गया। BCCI बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक ने जो है केस दर्ज किए जाने की पुष्टि की है। बोर्ड के तरफ से कहा गया है कि ऐसी प्रतीत है होता है कि उक्त परीक्षा केंद्र से प्रश्न का स्क्रीनशॉट कर लेकर, है ना, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर उसे किसी माध्यम से बाहर भेजा गया है, लैपटॉप पर डाउनलोड कर वायरल कर दिया गया है। सभी परीक्षा केंद्र पर जैमर लगा हुआ है। अभ्यर्थियों की जो है फ्रिस्किंग का परीक्षा केंद्र में, मतलब पूरा अच्छा से स्कैनिंग वगैरह जो है करने के बाद यहाँ जो है यहाँ पे आपका अंदर परीक्षा केंद्र में जो है एंट्री मिलता है। परीक्षा जो प्रक्रिया है उसको प्रभावित करने के लिए जो है ऐसा किया गया है, ये यहाँ पे जो है BCCI बोर्ड का ये कहना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये पेपर लीक मामला छठा यहाँ पे जो है इस साल का आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले और भी कई सारे पार्ट में, कल का जो पार्ट था वो पांचवा पार्ट था पेपर लीक को लेकर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अनिल नाम के अभ्यर्थी का प्रश्न पत्र आया सेंटर से बाहर, लैपटॉप पर नंबर 12 नंबर का प्रश्न और उसका वैकल्पिक उत्तर लैपटॉप पर वायरल हो रहा है। उस प्रश्न पत्र पर रोल नंबर से अभ्यर्थियों की जानकारी मिली, मतलब जो रोल नंबर दिया गया था उससे जो है यहाँ पे अनिल नाम का जो विद्यार्थी था उसका जो है यहाँ पे प्रश्न पत्र वायरल हुआ है। अभ्यर्थी अनिल कुमार हैं और वह KSM पर परीक्षा दे रहा था। पार्षद ने कहा कि 16 अगस्त के प्रथम पाली के की जो है परीक्षा 12:15 तक, है ना, तो 12:15 तक जो है समाप्त हुई थी। दिन के करीब 2 बजे एक अभ्यर्थी ने पार्षद को सूचना किया कि प्रश्न पत्र वायरल है। कुछ अन्य लोगों ने भी ईमेल से प्रश्न पत्र वायरल होने की सूचना पार्षद को दी, है ना। और यहाँ पे बताया जा रहा है परीक्षा एजेंसी सवालों के घेरे में, अमीन बहाली की परीक्षा सीफी ले रही है। सीफी को लेकर सोशल मीडिया पर अभ्यर्थियों सवाल खड़े कर रहे हैं। सीफी के 10 कर्मी को जो है 2018 में ही जो है CBI ने गिरफ्तार किया था। उन पर SSC की परीक्षा में प्रश्न पत्र
वायरल करने का आरोप लगा था। सोशल मीडिया पर अभ्यर्थी जो है यह सवाल खड़े कर रहे हैं कि बिहार एसएससी की परीक्षा में सीफी कराई थी और इस मामले में खगौल थाना में केस दर्ज हुआ था, तीन लोग गिरफ्तार हुए थे। अब सवाल यह है कि जिस एजेंसी पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं उसे ही जांच का जिम्मा क्यों दिया गया। ये यहाँ पे जो है बड़ी सवाल जो है उठकर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो हेडलाइन में साफ तौर पे बोला गया है कि सीफी ले रही परीक्षा उसे ही दे दिया जांच का जिम्मा। मतलब बीसीसी बोर्ड जांच अभी नहीं करेगी, अभी जो सीफी है वो जांच करेगा, जो कंपनी है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है कि भाई ये कैसे हो गया, है ना। तो उसको लेकर यहाँ पे जो है सवाल उठ रहे हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है परीक्षा माफिया का ऑडियो वायरल, कह रहा है एलआरसी के कैंडिडेट है तो बताए। यहाँ पर मतलब ऑडियो भी जो है यहाँ पे वायरल हो रहे हैं, ये आपको जो है देखने को मिलेगा। इस शुक्रवार को एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वायरल ऑडियो में आशुतोष नाम का सेंटर और एक युवती आपस में बात कर रही हैं। आशुतोष युवती से कह रहा है कि एलआरसी की परीक्षा 17 अगस्त तक चलेगी, कोई कैंडिडेट है तो बताएं, 100% काम होगा, 5 लाख देना होगा, परीक्षा के बाद पैसा लेंगे, जब अभ्यर्थी कह देगा कि प्रश्न पत्र और उत्तर मिल गया था। हालांकि दैनिक भास्कर इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, ये यहाँ पे जो है बोला जा रहा है। तो अब क्या है असली माजरा, अब पूरी जांच होने के बाद ही जो है यहाँ पे पता चल पाएगा। यहाँ पे सवाल ये आता है कि जब भाई सभी सेंटर पे जैमर लगा हुआ है और अभ्यर्थियों को जो है फ्रिस्किंग हो रहा है, तो पेपर बाहर कैसे आया। पार्षद ने कहा अभ्यर्थियों की फ्री स्क्रीनिंग के बाद ही उसे परीक्षा केंद्र में जाने दिया जाता है। परीक्षा अवधि समाप्त होने के बाद स्क्रीनशॉट लेकर किसी ने जो है उसे लैपटॉप पर डाउनलोड कर वायरल किया है। अब सवाल यह है कि इतनी जांच के बाद कोई स्क्रीनशॉट कैसे ले सकता है, ये यहाँ पे बात किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे बोर्ड ने कहा है कि आपका जो है स्क्रीनशॉट पहले लिया गया है, उसके बाद उसको जो है वायरल किया गया, तो स्क्रीनशॉट कोई कैसे ले सकता है, सवाल सबसे बड़ा ये यहाँ पे जो है बोला जा रहा है। बाकी आने वाले समय में और क्या इससे रिलेटेड अपडेट्स आती हैं आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा, और जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। और भी इससे जुड़े क्या अपडेट्स हैं या आज के न्यूज़पेपर में और क्या अपडेट दिए गए हैं, चलिए वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अगला अपडेट है यहाँ पे बीपीएससी की परीक्षा देने पर प्राइमरी स्कूल में नौकरी मिलेगी या नहीं, स्थिति स्पष्ट नहीं। एनसीटीई ने जो है वेबसाइट पर डाली कोर्ट जजमेंट की कॉपी, बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में निराशा। यहाँ पे नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटीई ने जो है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को अपलोड कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में यह स्पष्ट है कि बीएड डिग्री होल्डर प्राइमरी टीचर्स के लिए एलिजिबल नहीं है, सिर्फ डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होल्डर शिक्षक ही इसके लिए मान्य होंगे, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। बाकी उसके बीएड जो है 6 से 12 तक के अभ्यर्थियों के लिए जो है, मतलब 6 से 12 क्लास के लिए जो है वो बीएड उत्तीर्ण होने चाहिए। अगर 1 to 5 तक है तो उसके लिए डीएलएड ही उत्तीर्ण होना चाहिए, ये यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है। तो उसको लेकर जो है बीएड के जो स्टूडेंट हैं, जो कैंडिडेट हैं, वो लोग थोड़ा नाराज है। बाकी देखते हैं इससे रिलेटेड क्या आने वाले समय में और अपडेट आता है। उसके बाद अगला यहाँ पे अपडेट दिया गया है, आईआईटी पटना में असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी, आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें, अक्टूबर से दिसंबर के बीच इंटरव्यू का आयोजन यहाँ पे जो है होगा।
यहाँ पे बताया जा रहा है आईआईटी पटना में असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर पद के लिए जो है रोलिंग विज्ञापन निकाला है। इच्छुक उम्मीदवार डिपार्टमेंट द्वारा इंटरव्यू तय तिथि से 3 सप्ताह पहले तक जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन होने पर पे मैट्रिक्स लेवल 10 से 12 लेवल के अनुरूप प्रति माह वेतन दिया जाएगा। चयन शैक्षणिक योग्यता, अनुभव तथा इंटरव्यू के आधार पर होगा। इंटरव्यू इस साल अक्टूबर से दिसंबर के बीच में होगा। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे जो है अपना वेबसाइट पे जो है अप्लाई कर सकते हैं www.iitp.ac.in पर। आखिरी तारीख से पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हार्ड कॉपी स्वीकार नहीं किया जाएगा। 1 से अधिक विभागों के लिए अलग अलग आवेदन देना होगा, ये यहाँ पे जो है बताया जा रहा है। बात किया जाए किस किस सब्जेक्ट में है तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, केमिकल एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये आपका होना चाहिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि योग्यता क्या होना चाहिए उम्मीदवारों का, तो योग्यता यहाँ पे बताया जा रहा है कि संबंधित विषयों में बीटेक, एमई, एमटेक, पीएचडी की डिग्री हासिल की हो। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की आयु जो है 32 से 45 साल के बीच होनी चाहिए, ये यहाँ पे जो है बताया जा रहा है। तो यहाँ पे अगर एमई एमटेक है तो वो इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पे। तो यहाँ पे वेबसाइट पे जिनके पास ये डिग्री है वो जाकर जो है अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगला अपडेट आपका दिया गया है, विश्वविद्यालय व कॉलेजों में अनुपस्थित रहने वाले छात्रों का दाखिला रद्द होगा। ये यहाँ पे जो है बताया जा रहा है कि अगर 75% उपस्थिति नहीं रहेगी तो उसका एडमिशन जो है कैंसिल किया जाएगा। टीपीएस में जो है 75% से कम हाजिरी पर छात्र नहीं दे पाएंगे परीक्षा, ये भी जो है यहाँ पे बताया जा रहा है। अगला अपडेट है यहाँ पे बिहार बोर्ड के निःशुल्क कोचिंग के लिए अब 24 अगस्त तक जो है आवेदन मांगा जा रहा है। जेई और नीट की जो है निःशुल्क कोचिंग जो है कराने को लेकर यहाँ पे जो है बीएसईबी बोर्ड जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो है वो यहाँ पे जो है आपका एप्लीकेशन मांग रही थी, तो उसको लेकर यहाँ पे जो है डेट बढ़ाया गया। पीपीयू पीजी में कल से जो है स्पोर्ट राउंड चलेगा, 23 तक करा सकेगा दाखिला, है ना, जो भी लोग कराना चाहते हैं वे लोग जो है दाखिला करा सकेंगे। 21 तक जो है ऑफ़र लेटर डाउनलोड कर कॉलेज और पीजी विभाग में जमा करें। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में जो है पीजी नियमित और व्यवसायिक कोर्स में जो है सत्र 23-25 में नामांकन के लिए जो है स्पोर्ट राउंड की घोषणा कर दी है, ये यहाँ पे जो है अपडेट दिया गया है। तो ये एक मेजर अपडेट है आप लोगों के लिए जो न्यूज़पेपर में, आज के न्यूज़पेपर में दैनिक भास्कर में दिया है, उसको मैं यहाँ पे शामिल किया हूँ। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आने वाले समय में आपको और भी दिए जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके का और भी अपडेट आपको मिल सके। थैंक यू।